मैंने सोचा हुआ था कि 4500 रुपये में हमें खाद मिलेगी, लेकिन भाई साहब ये हमें 4700 रुपये में पड़ी है। जो आधा तोड़ा हमने खाद ली है ना, ये ज्यादा महंगी मिली है हमें पूरे तोड़े की निस्बत। असल में क्या है कि खाद जो है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो जिसके पास भी है ना वो अपनी मर्जी का रेट लगा के बेच रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और रेट है, जो बेच रहा है उसने अपनी मर्जी का रेट लगाया हुआ है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट ज्यादा हो गया हुआ है, तो हमें 4700 रुपये में ये खाद पड़ी है। जबकि अगर गवर्नमेंट के हिसाब से जाओ तो ये हमें 3500-3600 रुपये में पड़नी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। क्या करें भाई साहब, किसानों की कौन सुनता है। आधा तोड़ा खाद जो है ना इस खेत में जाएगी, तो आधा तोड़ा खाद जो है ना यहीं पर ड्रॉप करेंगे, बाकी जो है ना उसे दूसरी तरफ लेके चलते हैं, वहां भी से ड्रॉप करेंगे। पूरा तोड़ा खाद यहाँ पे ड्रॉप की है, ये अपने पूरे एकड़ में डालेंगे। ये हमारे पड़ोसियों की गंदम है और ये हमारी गंदम है, तो फर्क आप देख सकते हैं, जमीन आसमान का है। हमने लेट काश्त की थी, उन्होंने जल्दी काश्त कर दी थी, ये फर्क है। और उसके अलावा उन्होंने गंदम को पानी भी लगा दिया हुआ है, खाद भी डाल दी हुई है, स्प्रे भी आई थिंक कर दी होगी, तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गंदम काश्त की हुई है, पानी नहीं लगाया हुआ, खाद नहीं डाली हुई और स्प्रे भी नहीं की हुई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज खाद डालेंगे और अपनी गंदम को पानी लगाएंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी खाद डालेंगे, दोस्त लोग आ चुके हैं, मांगी पे बुलवा लिए हैं मैंने दोस्त, काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना, दोस्तों का कोई तो फायदा हो। कि इस तरफ एक एकड़ गंदम है और ये चार कनाले ये वाली, पहले यहाँ पे खाद डालेंगे फिर एकड़ की तरफ चलेंगे। दोनों जवान आ चुके हैं, वे निम्मा निम्मा मुस्कुरांदा वे बादशाह, कम करो इंज कि जिवें कम करन दा हक हुंदा है। अख्तर ते हत्था आया यार इंज ना घर लोर दा बावा लोर दा बावा अकबर लावा कावा जो नो अस्सलामु अलैकुम। जवान जो है वो खेत में खाद डाल रहे हैं और मैं खाल साफ कर रहा हूँ। खाल भी हम बोलते हैं इसे और आड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ से पानी गुजर के जाएगा अपने खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाल मैंने साफ कर दिया है, अभी टाइम हुआ जाता है मोटर चलाने का, आ जाए। पानी बांधना है अभी जी, इस तरफ को पानी लगाना है पहले, इस तरफ को खुला हुआ है नक्का इसे हम बोलते हैं, ये खुला हुआ है इस तरफ को, तो अभी इधर से बांध लेंगे पानी इधर को लगाएंगे, आ जाए। सारा काम सेट हो चुका है, अभी मोटर चलाते हैं। मोटर अपनी सोलर वाली है, तो इधर काफी ज्यादा बटन वगैरह लगे हुए हैं। जब से सोलर वाली मोटर लगाई हुई है ना, आज पहली दफा मैंने इसे ऑन किया। पंजाबी की कहावत है कि आगे पीछे चंगी ते दिन दियार मंदी, तो अभी मोटर हमारी नहीं चल रही, आज इसकी जरूरत है हमें, लेकिन नहीं चल रही भाई साहब, क्योंकि धूप आई थिंक उतनी तेज़ नहीं है, या क्या हिसाब किताब है पता नहीं, क्योंकि सोलर वाली मोटर है ना, तो धूप जितनी तेज़ होगी उतना अच्छा है इसके लिए। तो अभी कल हमने चलाई थी तो कल चल रही थी, आज चलाई है तो आज चल नहीं रही, जबकि कल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, आज इसकी ज़रूरत है, तो ये हिसाब है भाई साहब। आगे पीछे चंगी तो दिन दियार मंदी। जवान माशाल्लाह खेत में खाद डाल रहे हैं, तो काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा तोड़ा खाद थी, अभी तोड़ा पूरा खाली है, ये देख ऐसे नहीं बस काम कर दे रहे जनाब, तरक्की तोड़े कदम चुमेगी आ गया पे पहली। हम अक्सर ऐसे ही मिल बांट के काम करते हैं, अगर मेरा काम है तो हम तीनों आ जाएंगे, हसन भाई का खेत बिल्कुल साथ ही है, अगर हसन भाई का काम है तो हम सब मतलब उधर लग के काम कर लेंगे, तो मतलब ऐसे ही हम मिल बांट के काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटर चल गई थी और पानी लगा दिया हुआ है गंदम को, देखे माशाल्लाह। ये हमारा खेत है और ये हमारे पड़ोसियों का खेत है और बीच में है बंद, तो बंद में ना चूहे ने बिल बनाई हुई है, उसकी वजह से पानी जो है ना हमारे खेत से साथ वाले खेत में जा रहा है, तो अभी इसको बंद करना पड़ेगा।
ये अभी पता भी नहीं है कि बिल कहां से शुरू की होगी उसने और कहां पे मतलब खत्म हुई है। तो यहां से तो नहीं है क्योंकि मैंने इधर से दबाई है मट्टी लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। ऊपर से दबाऊंगा ना फिर हो सकता है पानी बंद हो जाए। बंद हो गया पानी, देखा आपने? हाँ जी। अबू जान कहते हैं कि नहीं नहीं मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, टोपी है मेरे सर पे, पगड़ी नहीं है। आना फिर वीडियो चुके नहीं तो दाढ़ी हाड़ी मनाऊंगा तो फिर। अच्छा, कट करवाने वाला हो गया हुआ और बाल वगैरह सेट करवाने वाले हैं, तो अबू जान कहते हैं कि कल करवाऊंगा फिर आपकी वीडियो में आऊंगा। अबू जान ने अपना मुंह छुपा लिया है। गंदम में खाद डाली थी और खाद के बाद गंदम को लगाया था पानी। मोटर जो है हमारी सोलर पे है और सर्दियां हैं तो धूप आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा निकलती है, सारा दिन तो तकरीबन धुंधी रहती है। आज दो दिनों के बाद जनाब सूरज निकला है तो पानी हमारी गंदम को लग नहीं रहा, तो अभी मोटर का कोई तो कनेक्शन इधर से उधर करना है, बिजली पे करना है मोटर को, सोलर पे नहीं। तो बिजली पे मोटर को करते हैं और फिर चलाएंगे मोटर को और गंदम को लगाएंगे पानी। काम रुक गया हुआ है काफी दिनों से, सोलर सिर्फ गर्मियों में ठीक रहता है सर्दियों में नहीं। भाई मदसा जी इधर पहुंच चुके हैं तो अभी इधर से उधर करके तारें लगानी है भाई मदसा ने, और फिर हमारी मोटर जो है बिजली पे हो जाएगी, फिर चल जाएगी हमारी मोटर। पहले हमें था कि हमें मोटर जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, अभी सोलर वाली मोटर लगी हुई है तो हमें बिजली वाली मोटर लगानी पड़ेगी जो कि नीचे पड़ी हुई है। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना, सोलर वाली मोटर को ही बिजली का कनेक्शन देंगे गवर्नमेंट वाली बिजली का, तो उस पर ही वो चल जाएगी। तो ऐसा तो कोई हिसाब है, बड़ी चीज है भाई साहब, सोलर लगाया है तो मोटर भी सोलर वाली लगानी पड़ेगी, तो ये बहुत चीजें ऐसी। बहुत दिनों के बाद भाई साहब मैं इस छत पे आया हूँ, छत की हालत क्या हो गई हुई है यार, ये देखे इधर क्या हालत हो गई हुई है छत की यार, और पेंट भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया हुआ है। ये देखें, ये साइड तो उजड़ गई हुई है, ये देखें कैसे पेंट जो है ना खराब हो गया हुआ है। इधर देखें, ओए होए 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 होए, इधर देखें पौधे उग के सूख भी गए हुए हैं, छत पे पौधे उगे हुए हैं, वाह कुछ जड़ी गई हैं। तो ये हिसाब किताब है, और इन दिनों देखें माशाल्लाह हमारे गांव का नज़ारा है ना खूबसूरत, सुभान अल्लाह। भाई मदसल लगे हुए हैं इधर, इतनी ज्यादा तारे हैं मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हिसाब किताब है। तो भाई मदसल बेचारे लगे हुए हैं, आपको भी समझ आ रही है कि मैं इतना कोई समझ नहीं आ रही, बस लगे हुए हैं आप और ये शो कर रहे हैं कि हाँ जी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, चलिए जी हो गया कनेक्शन, चले भाई अब अपनी जम्बो पे बैठ के हम पहुँच चुके हैं तकरीबन अपने खेत में। मैं और अबू जान आए हैं भाई, मुदस्सर पैदल आ रहे हैं। मैं और अबू जान खेत में पहुंचे ही हैं कि मुदस्सर सदीक काका भाई भी पहुंच चुके हैं हमारे पीछे पीछे। तो ये सारा हमारा खेत है, इधर पानी लग चुका है, वो आगे जो एकड़ है ना हमारा वहाँ पे नहीं लगा हुआ। हेलो 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 हेलो, भाई मुदस्सर जा रहे हैं घर देखने के लिए कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि बिजली यहाँ पे नहीं आई है, पीछे से कनेक्शन आई थिंक भाई मुदस्सर से सही से नहीं हुआ है। तो अभी भाई मुदस्सर जा रहे हैं चेक करने के लिए, चेक करके आते हैं तो फिर देखते हैं मोटर चलती है कि नहीं। भाई मदसर को थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वो आएंगे ना तब तक मैं आपको टूर करवा देता हूँ अपने खेत का, कि हमने अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियाँ काश्त की हुई हैं। सबसे पहले और सबसे अहम और सबसे फेवरेट सरसों आ जाए। सरसों जो है अभी खत्म हो चुकी है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। हाँ जी भाई मदसर घर से कुछ वो कह रहे हैं कि मोटर चलाएं मोटर आ जाए, मोटर चलाते हैं। छत से खड़े होके इशारे करवा रहे थे, कॉल भी आ रही है उनकी। बिजली नहीं है भाई साहब, मोटर नहीं, क्या चलना है। तो आपको टूर करवाता हूँ मैं, जहाँ से थोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। सरसों जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें ना बीज बनने शुरू हो चुके हैं जिससे देसी तेल निकलेगा, सरसों का तेल निकलेगा। इधर आ जाएं, इधर रहे जी मटर, और ये सारे मटर हैं ये आप देख सकते हैं। अभी फलियाँ ये लगी हुई है फली, लेकिन इनमें ना अभी दाने नहीं बने हैं, ये फलियाँ आप देख सकते हैं। आलू दिखाता हूँ आपको मैं, आलू काफ़ी बड़े बड़े हो गए हुए थे लेकिन जंगली जानवरों ने छोड़े नहीं हैं। जंगली जानवर जो है ना भाई साहब अन्नी पा गए हुए हैं। ये छोटे छोटे आलू देखें, बेबी पोटैटोस कितने छोटे छोटे अभी तैयार हो रहे थे, लेकिन भाई साहब जंगली जानवरों ने नहीं छोड़े। ये देखें सारे निकाल के बाहर फेंके हुए हैं, जो उनको अच्छे लगे हैं वो खा गए हुए हैं। ये वो आगे तक हमने आलू काश किए हुए हैं, ये देखें ये सारे। ये आलू का बीज है, मतलब बीज क्या होता है, आलू ही पूरा ज़मीन में दबाते हैं फिर उससे बहुत ज़्यादा आलू बन जाते हैं, लेकिन इनको ही निकाल के फेंके हुए हैं बाहर। और इधर और मटर हैं, ये जी शलजम की तरह की रेड मूली, साथ ही इधर रही गाजरें,
ये सारी गाजरें हैं, मेथी मेथी रही जी इधर, अम्मी जान को आलू मेथी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और इधर जी बहुत ज़्यादा पालक। अगर आपको भी चाहिए हो तो आप आके ले जा सकते हैं, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सारा हमने लहसुन काश किया हुआ है और लहसुन भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको चाहिए हो तो आप आके लेके जा सकते हैं। ये देखें छोटी सरसों, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, येलो येलो फूल लगे हुए हैं इस पे और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। हमने भाई साहब मूलियाँ भी काश्त की थी और शलजम भी काश्त किए थे सरसों में ही, आ जाएँ वो दिखाता हूँ मैं आपको अगर हुए तो, लेकिन वो कमज़ोर थे बहुत ज़्यादा, उस वजह से वो नहीं हुए सही से। अब कह सकते हैं कि देखभाल हम सही से नहीं कर पाए, क्योंकि हम सऊदी अरेबिया चले गए थे, फिर नारान कगान, उससे पहले भी नारान कगान की तरफ गए हुए थे, तो उतनी अच्छे तरीके से हम देखभाल नहीं कर सके, उस वजह से ये सरसों पक गई है, उस वजह से हमारी शलजम और उसके अलावा मूलियाँ भी नहीं हुई। ये देखें शलजम कमज़ोर हैं बेचारे, हैं लेकिन कमज़ोर, छोटे छोटे, तो बड़े बड़े शलजम जो है ना उनका ही मज़ा आता है खाने का, जूसी होते हैं। ये देखें खेत भी तो कमज़ोर लग रहा है ना। अगर टाइम पे इसको पानी लगा होता और उसके अलावा खाद वगैरह डाली होती ना, तो मोटी मोटी मूलियाँ होनी थी। खुशखबरी है जी, बिजली आ चुकी है, अभी हम वापस जाएंगे अपनी मोटर पे। यहाँ पे हम खड़े थे, कपशप लगा रहे थे, तो अभी चलते हैं मोटर पे और मोटर को ऑन करते हैं, उम्मीद है कि मोटर हमारी चल जाएगी। वेल डन, शाबाश मुदस्सर पुत्र, मज़ा आ गया भाई, मुदस्सर ने काम कर दिया है जी, हमें मोटर भी चेंज नहीं करनी पड़ी और काम हो गया। क्यों ताया जी, काम लोया हो गया ना? लोया हो गया जी, मुदस्सर भाई बहुत अच्छे आदमी ने लोया कर छड़िया फर के, आले दुआले आलेयां नूं भी इसने जनाब मेरी खुश कर दिता है। मोटर चल गई है, पानी अभी थोड़ा आ रहा है भाई, मुदस्सर अभी सेटिंग कर रहे हैं, फिर पाइप भर के पानी आएगा। मैं खुश हो गया भाई साहब, मोटर भी चेंज नहीं करनी पड़ी और काम भी हो गया अपना। इधर से पानी आ रहा है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर एंटर होगा खेत के अंदर और फिर आगे तक जाएगा। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये सूखा है खेत, यहाँ से ये सारा खेत सूख है, यहाँ से ये एरिया, यहाँ पे पानी लग गया हुआ है लेकिन ये एरिया सूखा है, इधर सारे खेत में पानी लग चुका है, ये सूखा है, तो अभी यहाँ पे पानी लगेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह अभी तो पाइप भर के पानी आ रहा है, आप कामयाबी के साथ कामयाब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आईफोन 49 वाला। बाकी बिजली पे जैसे पानी भर के मोटर फेंकती है ना, वैसे नहीं आ रहा, लेकिन कदरे बेहतर है भाई साहब। और ये घुस गया पानी, यहाँ से मुझे ये बंद करना पड़ेगा, तो मुझे उतारने पड़ेंगे शूज। चल जिंदड़ी, ये की करना, मेहनत करनी पैनी है फिर। बिस्मिल्लाह, बड़ा ठंडा गए था भाई साहब, काम थोड़ा सा ही था लेकिन खेत में गुस्से बगैर होना नहीं था। ये बंद भी इधर से बांधना था, अभी मैं जाने लगा था हाथ धोने के लिए, तो भाई मुदस्सर ने देख लिया, तो अच्छा हुआ टाइम पे देखा है, तो इसको भी इधर से बांध दिया है। आए एक्स निका पानी है। हाँ जी, मुझे तो जी सुकून मिल गया कि काम हो गया, अभी पानी लग जाएगा खेत पे। हाँ जी जी, शूज़ वगैरह पहन लिए हैं मैंने, लड़का एकदम साफ सुथरा हो चुका है, हाथ वगैरह भी धो लिए, मोटर अपनी चल रही है और अभी चलते हैं घर को। जंबो को मैं इस घर खड़ा करके जा रहा हूँ, इधर ये है कि ज़रा सेफ रहती है और उसके अलावा ठंड नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी इसे, अभी तो ये स्टार्ट हो जाती है, इसका कोई मसला नहीं है, और उसके अलावा शबनम बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो भी नहीं पड़ेगी। उस कमरे में रही जंबो, इस कमरे में रही भाई मुदस्सर की बाइक, इसका क्या नाम है? इसका नाम जो मर्जी आप रख लें, माल्टा, माल्टा, माल्टा रखें, ऑरेंज नहीं रखें, फिर माल्टा रखें, माल्टा जरा अच्छा लगता है, माल्टा। जैसे ही दरवाजे से निकलते हैं ना, ये सामने देखे सरसों, हमारी भी इस तरह ही होनी थी अगर उसको टाइम पे पानी लग जाता और खाद डाल देते हम तो। हाँ मेरे बब्बर शेर, क्या लेके जा रहा है? सब्जी, वाह, मैंने पहचाने नहीं कि ये कौन आ रहा है, फिर पास आया तो फिर पता चला कि ये तो मेरा बब्बर शेर आ रहा है।
चलें दे आए, किड्डा वड्डा हो गया यार। तो जी दोस्तों ने मुझे बाहर बुलाया था कि आ जाओ, हमने आग लगाई हुई है। और जैसे ही मुझे सकलैन भाई का मैसेज मिला ना कि आग लगाई हुई है, तो मैं उसके ना आधे घंटे के बाद या हो सकता है इससे ज्यादा टाइम हो काफी लेट आया था घर से। और जब मैं बाहर आया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जो अनु से आग ही नहीं लग रही भाई साहब। तो फाइनली आग बल चुकी है। फाइनली जी आग जल गई है अपनी। तो अभी ये जो दो गैंगस्टर है ना, ये गन्ने लेने के लिए जा रहे हैं। हसन भाई और सकलैन भाई जो है ना, गन्ने लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी सही ला क्या हो यार, मेहरबानी थोड़ी। जो बाइक दे रहे हैं सर, वो इंतहाई घटिया तरीके की, ये चलाने के काबिल ही नहीं है। लगमान भाई ये क्या कह रहे हैं आपकी बाइक के बारे में? लगमान भाई ने साथ तोड़ा रखा हुआ है, लेके जाए रास्ते में पार्ट किलर सकते हैं। अगर बंदा दो नंबरी करे बाइक, ये जो बंदे जा रहे हैं ना गन्ने लेने के लिए, आपके लिए बेहतरीन बाइक है ये। गन्ने नहीं फाल लिया जो जी गड्डी चोरा दी गड्डी लुटे जाने आराम नाल जायो। दोनों जवानों को भेज दिया है, तो जब ये दोनों जवान इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हैं ये। तभी बाइक जो इनको दी है ना, वो है भी कमजोर, तो अगर कोई शैतानी वगैरह करेंगे ना, तो हो सकता है ये बंद बुंद हो जाए। तो फिर रहे रास्ते में, ये जा रहे हैं ये गांव की दूसरी तरफ ना, वहां से ये गन्ने लेके आएंगे। ऐसा ही है बादशाह। चलो बादशाह पैकअप, अपने अपने कार जाओ। चलो भाई अल्लाह हाफिज। तो अभी निकलेंगे जी घर को, गन्ना खा लिया है, मजा आ गया। तो आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।